हेलो गाइस, आई एम कार्तिक शर्मा एंड यू आर वाचिंग टेस्टी बाइकर। जी हाँ, आज हम जाने वाले एक ऐसी जगह जो अजमेर में रहने वाले करीबन 90% लोगों को नहीं पता है ये क्या है, और आज हम वापस से एक नॉन वेजिटेरियन डिश ट्राई करने वाले हैं। जी हाँ, और ये मैं बता दूं कि ये इंडिया की जो डिश नहीं है, अजमेर में आपको एक मिडिल ईस्ट एशिया की डिश मिल रही है। जी हाँ, एक अरब कंट्री की डिश मिल रही है। असली नाम तो मुझको भी नहीं पता इसका क्या है, अगर आपको नाम पता चले तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं क्या है। मैं तो इसको एक चिकन रोल की तरह ही बता सकता हूँ आपको, तो मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। एक डिश बहुत ही टेस्टी है, तो पहले अपन ट्राई करने चलेंगे इसको। ओके गाइस, गाइज ऑलवेज वेयर हेलमेट। जैसा आप देख सकते हैं मैंने हेलमेट पहना हुआ है। ये हम जा रहे हैं अब चूड़ी बाजार के रास्ते, कुछ ही देर में अब सिर्फ दरगाह बाजार पहुँचने वाले हैं। सो गाइज, हम चिकन रोल को ट्राई करके आ चुके हैं। जी हाँ, मैंने आपको दिखाया कि वो कैसे बनाते हैं, वो कैसे इसको कट करके पूरा एक एक चीज मैंने आपको दिखाई कि ये होता तो बहुत सिंपल है पर टेस्ट रियली गुड, बहुत ही शानदार टेस्ट होता है उसका। जी हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि आप एक बार प्लीज जाकर उसको ट्राई करें। वो इतना कॉस्टली भी नहीं है, बट हाँ अच्छी रेट्स पे आपको मिल जाएगा। लेकिन मेन बात यह है कि जो अलग अलग कंट्रीज का फूड ट्राई करना चाहते हैं, जी हाँ एक ही जगह, उनके लिए बहुत ही शानदार ये एक जगह है जो आप जा सकते हैं। खासकर कि अरब कंट्रीज का खाना हो गया, ये दरगाह अजमेर दरगाह के पास जाके आता है, ये एक छोटी सी स्टॉल लगाते हैं, मैंने आपको दिखाया। अब मेन खास बात आती है इसके रिव्यू की। जी हाँ, आप जानते हैं कि मैं रिव्यू 5 पॉइंट्स और 5 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। जी हाँ, फर्स्ट आएगा हमारा एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के अंदर मैं इसको देना चाहूँगा 2, इतना अच्छा नहीं था लेकिन हाँ गुड था, ठीक है, इन्वायरमेंट में इसको 2 दिए मैंने। सेकंड आती है इसकी सर्विस, सर्विस बहुत ही तेज है, सर्विस में मैं इसको 4 देना चाहूँगा। जी हाँ, बहुत ही शानदार थी। अब आती बात प्रेजेंटेशन की। जी थर्ड, प्रेजेंटेशन के अंदर मैं इसको देना चाहूँगा लगभग 3.5, अच्छी थी प्रेजेंटेशन, एक रोल के हिसाब से बहुत बढ़िया थी, इतनी खास भी नहीं कह सकते, इतना कम भी नहीं कह सकते। जी हाँ, अच्छी थी। वैल्यू फॉर मनी के लिए मैं इसको देना चाहूँगा 3.5। जी हाँ, वैल्यू फॉर मनी के लिए भी नॉर्मल था, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था ना ज़्यादा चीप था, ठीक है। ओके गाइस, अब 5th बात आती है। जी हाँ, जो मेन होता है सबसे ज़्यादा वो है टेस्ट। टेस्ट इसका बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही शानदार टेस्ट के अंदर मैं इसको 4.5 दूंगा। जी हाँ, टेस्ट के अंदर ये सबसे बेस्ट था, जो चिकन लवर्स के लिए थे उसके लिए सबसे बेस्ट था, टेस्ट के अंदर 4.5। तो गाइस, इसका टोटल 5 आउट ऑफ हो जाता है 3.2।
जी हाँ गाइज, ये अच्छा स्कोर है, लेकिन मैं आपको अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ टेस्ट, जिसको टेस्ट को करना है, जानना है, अरब कंट्रीज का खाना खाना चाहते हैं, जी हाँ अलग अलग कंट्रीज के खाने को ट्राई करना चाहते हैं, वो जाके इसको एक बार प्लीज जाके ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी था गाइज। मैं उसका प्रॉपर जगह का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन ये कुछ होटलों के पास जगह आता, राइट वे में पड़ता है ना, उस स्टॉल का कोई नाम है, मेरे को भी बहुत मुश्किल से मिली थी वो, मैं एक दिन जा रहा था घूमने और मेरे को रास्ते में मिल गई। जी हाँ, एक ट्रांसफार्मर लगा है वहाँ दरगाह में, उसके राइट साइड में एक छोटी सी स्टॉल लगाते हैं वो, बहुत छोटी सी, उसका नाम भी नहीं मेरे को पता है, लेकिन आप जाइए और एक बार सर्च करिए, आप देखिए बहुत ही। सो गाइज, हमने उसको रिव्यू दे दिया है, जी हाँ अच्छा था रिव्यू, 3 point something था, बेस्ट था। मैं आपको ये बोलूंगा कि आप उसको ट्राई करिए, मेन उसके जो टेस्ट है उसी के वजह से मैं गया था, और आपको भी शायद पसंद आएगा, क्योंकि एक ऐसी जगह अजमेर में जो लोग सोच भी नहीं सकते, वहाँ आपको एक ऐसी कंट्री का खाना जो सर्व करते हैं वो बहुत ही शानदार था। जी हाँ, अब मैं आपको बताना चाहूँगा गाइज एक बहुत ही अच्छी बात, हमारा चैनल चालू हुए करीबन से ओनली 15 डेज हुए हैं और मेरे को 101 सब्सक्राइबर्स मिल चुके हैं। थैंक यू गाइज आपके सपोर्ट के लिए, थैंक यू रियली थैंक यू, और मेरी वीडियो आगे भी देखने के लिए प्लीज गाइज नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करिए और मेरी आगे वाली वीडियोस को देखते रहिए, और नोटिफिकेशंस के लिए एक बेल का बटन होगा, जी हाँ उसको दबाइए। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जी हाँ इंस्टाग्राम है मेरे कार्तिक स्पेस टेस्टी बाइकर, जी हाँ, और फेसबुक पे आप मेरे को @TastyBiker के नाम से हमारा एक पेज है, उसको लाइक कर सकते हैं। और इन एंड गाइस, मैं आपको अब कुछ ही दिनों में, 1-2 दिन के अंदर रक्षाबंधन आने वाले हैं, तो मैं मेरी बहनों को, सिर्फ मेरी बहनों को कहना चाहूंगा हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी राखी टू यू, और मेरी आगे वीडियो देखने के लिए गाइस प्लीज सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।